हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 16 नवंबर 2019 की प्रीलिम्स सबमिट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज की तरफ। पहली जो न्यूज आई है वो आई है यहाँ पे जियो केमिकल बेसलाइन एटलस के बारे में। देखो, पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने जियो केमिकल बेसलाइन एटलस है वो रिलीज किया है। तो पहला फैक्ट तो ये बन जाता है कि पहली बार इंडिया में एटलस है वो जारी किया गया है। अब हम इसके कुछ फैक्ट देखते हैं कि किसके द्वारा एटलस जारी किया गया है, कौन से पैरामीटर के आधार पर, और क्या इसका फायदा होने वाला है। तो देखो, यह जो एटलस है वो हमारी एक बॉडी है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जियो केमिकल बेसलाइन एटलस को जारी किया गया है। फायदा क्या होगा? इस एटलस का फायदा ये होगा कि हमारे देश में जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इन्वायरमेंटल डैमेज का पता चलेगा कि भाई कितना इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है और इसके लिए किस तरीके के स्टेप उठाने हैं और कौन कौन से कारणों की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड या डैमेज होता जा रहा है। तो एक तरीके से पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाने में हेल्पफुल रहेगा ये एटलस। अब हम देखते हैं कि इस एटलस में लगभग 45 मैप है वो तैयार किए गए हैं, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन के हैं। इसमें जैसे इन्फॉर्मेशन रहेगी सरफेस के बारे में, सॉइल यानी मिट्टी के बारे में, और जो मिट्टी में जो ऑक्साइड है, जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, उन सब की डाटा यहाँ पे आपको मिलेगा और उसकी हेल्प से इस एटलस को तैयार किया जा रहा है ताकि जो पॉलिसी मेकर है वो इन्वायरमेंटल डैमेज को एक्सेस कर सकें और उसको लेके अच्छी पॉलिसी हमारे देश में डेवलप कर सकें। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इको एंजाइटी के बारे में। तो इको एंजाइटी क्या है वो हम देखते हैं। देखो, जो इको एंजाइटी है वो न्यूज में पहली बात तो है कि है क्यों। देखो, जो जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ बोले कि पोल्यूशन का लेवल आपको पता है कि लगातार हमारी मेट्रो सिटीज़ में और जो जो रूरल सिटीज़ हैं वहाँ पे भी लगातार बढ़ने को देखने को मिला है। और इसी के साथ ही पोल्यूशन बढ़ रहा है तो क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम है वो भी वर्ल्ड में बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए एक स्पेशल टाइप का या बोल सकते हो कि मेंटल डिसऑर्डर है जिसका नाम है इको एंजाइटी। तो UPSC डायरेक्टली पूछ सकती है कि इको एंजाइटी क्या है। तो इको एंजाइटी है वो एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि लोगों में पिछले कुछ सालों से बढ़ता जा रहा है या कुछ सालों से देखने को मिला है। इसमें होता क्या है वो हम देखते हैं। इसमें होता है कि जो मेंटल कंसर्न यानी कि जो भी पेशेंट या आम आदमी होता है, आप ये बोल सकते हो कि अगर उसमें इको एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसका मतलब क्या होगा, वो इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा आप बोल सकते हो कि सजग रहता है, इन्वायरमेंट को लेकर फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि भाई हमारी जनरेशन का क्या होगा, हमारी जनरेशन को तो साफ हवा नहीं मिल पाएगी, वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ों को लेके वो ज़्यादा कंसर्न या चिंतित है, वो वही हो जाता है। यानी कि फ्यूचर जनरेशन है, इस पे इन्वायरमेंट का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसके कितने बड़े नुकसान होने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज के कितने और ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं, इसको लेके एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है जो कि अभी जो हम बात करें साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इसका नाम रखा गया है। तो हमें पता होना चाहिए कि इको एंजाइटी का मतलब क्या है, कि यह एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें इन्वायरमेंट के प्रति पर्सन है वो डरने लग जाता है कि इन्वायरमेंट लगातार ख़त्म होता जा रहा है तो एक दिन तो इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अरोकोट के बारे में। देखो, आपने अल्टीमा थुले का नाम सुना होगा, अल्टीमा थुले, उसी का नाम अभी चेंज करके रखा गया है अरोकोट। तो ये आपको ध्यान में रखना कि अरोकोट क्या है, जो कि एक कॉस्मिक बॉडी है जो कि क्यूपलर बेल्ट में पाए जाने वाली एक आप बोल सकते हो इस तरह की सॉलिड टाइप की फॉर्म है, जो कि मेनली हम बात करें जो बर्फ़ या आइस होती हैं इनके टुकड़ों से बनी हुई है। तो पहली बात तो यह है कि किसके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, इस तरीके की बॉडी को या जो कॉस्मिक बॉडी यानी जो स्पेस में पाई गई है वो। तो देखो, क्यूपलर बेल्ट में तो है ही है, और इसको नासा का एक टेलीस्कोप था जिसका नाम था हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था, इसके द्वारा अल्टीमा थुले या फिर जिसका नाम है आज अरोकोट, इसकी डिस्कवरी की गई थी 2014 में। इसके बाद में नासा ने एक अपनी स्पेस प्रोब भी भेजी थी जिसका नाम था न्यू ओराइजन स्पेस मिशन। तो नासा का जो न्यू ओराइजन मिशन है वो ध्यान रखना अल्टीमा थुले की स्टडी करने के लिए बनाया गया था। अब अल्टीमा थुले का नाम है वो चेंज कर दिया गया है, बाकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की नहीं है। डिस्कवर कब किया गया था, कहाँ पर है, क्यूपलर बेल्ट में। क्यूपलर बेल्ट कहाँ पर है, हमारे जो सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी जो आप बोल सकते हो बेल्ट है उसको कहा जाता है क्यूपलर बेल्ट। जो बीच में भी एक जो हमारा मार्स या मंगल ग्रह है इसके बाहर भी एक बेल्ट है जस्ट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एस्टेरॉयड बेल्ट, जहाँ पे एस्टेरॉयड है वो मेनली पाए जाते हैं। तो एस्टेरॉयड बेल्ट आता है पहले, लास्ट में आता है हमारा क्यूपलर बेल्ट।
तो क्यूपलर बेल्ट है वहां पे, ये एक आप बोल सकते हो कि आकृति है इस टाइप की, एक का नाम है अल्टीमा, एक का नाम है थूले। तो उनको लेके ये न्यूज है, वो अभी आई है कि भाई इनका नाम है वो चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, खैर क्वेश्चन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज कुछ ज्यादा न्यूज देखने को मिली नहीं है कुछ अच्छी न्यूज। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है फाइनेंस एक्ट 2017 के बारे में, तो देखते हैं क्या है, वित्त कानून 2017। देखो आपको पता है हर साल जब बजट पारित होता है तो उसके बाद में एक फाइनेंस बिल है वो जारी किया जाता है, उसको पास करवाना होता है और इस तरह से प्रोसीजर चलती है। तो 2017 में जो फाइनेंस एक्ट आया था उसको लेके भी कुछ थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है वो क्रिएट हुई है, तो वो हम देख लेते हैं कि क्या है पहली बात तो ये एक्ट और न्यूज में भी क्यों था। देखो 2017 का जो फाइनेंस एक्ट था ना, इसको एक तो गवर्नमेंट ने मनी बिल के तहत पास करवाया था, मतलब कि इसको मनी बिल मान के पास करवाया गया था, तो एक तो इस चीज पे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि भी आपने इसे मनी बिल मान के क्यों पास करवाया, तरीका गलत है वगैरह वगैरह। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, किस टाइप का बिल है, यह जो काम है वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो मतलब वो मनी बिल है, इसको लेके बाद में कोई भी आप एक तरीके से आर्गूमेंट वगैरह नहीं कह सकता, मतलब स्पीकर की जिम्मेदारी होती है, उसने जो भी कह दिया कि मनी बिल है तो मतलब वो मनी बिल ही है। और बेसिकली मनी बिल कौन सा होता है, इसको लेके हमारे संविधान में आर्टिकल 110 है, उसमें कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं, ये ध्यान रखना, कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि उन पॉइंट्स अगर वो चीज़ें एप्लीकेबल हैं, जैसे कि हमारी जो कंसोलिडेट फंड है उससे कोई फंड निकाला जा रहा है तो उस टाइप का जो बिल होगा वो मनी बिल टाइप का होगा, ऐसे उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, तो वो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ सकते हो। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 110 में क्लियर मेंशन किया गया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है, विवाद होता है बिल को लेके, तो सारी जिम्मेदारी है वो लोकसभा स्पीकर की होती है। लोकसभा स्पीकर ने एक बार कह दिया कि ये मनी बिल है, मतलब मनी बिल ही है वो। अब हम देखते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2017 का क्या इश्यू है, क्या एक्ट है वो कहता है। देखो 2017 का फाइनेंस एक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल, ध्यान रखना यहाँ पे बात किसकी जा रही है, जुडिशियल जो ट्रिब्यूनल है उनकी, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो बाकी और अदर ट्रिब्यूनल है, जैसे कि एनजीटी ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल है, इसी के साथ ही कंपनी लॉ अपलेट ट्रिब्यूनल है, तो इन ट्रिब्यूनल की तरह ही सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ट्रीट करेगी। यानी कि जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी अदर ट्रिब्यूनल की तरह ही ट्रीट है वो करेगी, अपॉइंटमेंट वगैरह करना हो किसी का, तो जो बाकी बॉडी है इनकी तरह से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी हस्तक्षेप कर सकती है। अगर आपको सीधा सीधा शब्द बोलूं तो जो एनजीटी वगैरह है या फिर और भी तक जो ट्रिब्यूनल है, जैसे कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इनकी सारी जो जिम्मेदारियां, सारा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इनमें सारा जो डायरेक्टली हस्तक्षेप होता है इनडायरेक्टली वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। बट वहीं पे 2017 के एक्ट में ये पावर दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनते हैं इनमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन ट्रिब्यूनल की तरह पावर रहेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें हस्तक्षेप करेगी। तो इसको लेके कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, जो बाकी ट्रिब्यूनल हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी हस्तक्षेप करती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है कोई बात नहीं, बट जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल है ये अपने जो प्रोसीजर है जिसके तहत इनको स्थापित किया गया था, सेटल किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके मामले में कोई अंगुली नहीं करेगी। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर मामला न्यूज में आया था, तो अभी न्यूज में था इसलिए हमने इसे कवर कर लिया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नाडू नेडू प्रोग्राम के बारे में। देखो न्यूज ये है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नाडू नेडू प्रोग्राम को लॉन्च है वो किया है। क्या है इस प्रोग्राम का फायदा वो हम देखते हैं। देखो ये जो प्रोग्राम है वो जो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर और भी जो हम बात करें कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर क्वालिटी या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको इम्प्लीमेंट है वो किया जा रहा है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें से इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी डेवलपमेंट करना हो या फिर और भी स्किल लेके आनी हो टीचर्स के लेके, इंग्लिश लैब वगैरह स्थापित करनी हो, ये सारा काम है इस प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। इसी के साथ ही स्कूलों में जो बेसिक फैसिलिटी हैं, जैसे कि हम बात करें क्लीन वाटर हुआ, फर्नीचर हुआ, और जो कंपाउंड वॉल हुई या टॉयलेट जैसी फैसिलिटीज हैं, उन सब का निर्माण किया जाएगा नाडू नेडू प्रोग्राम के तहत। तो ये ध्यान रखना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का यह इनिशिएटिव है एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है शिशु सुरक्षा एप्लीकेशन के बारे में। देखो आसाम की जो एक बॉडी है जिसका नाम आप उस कमीशन है जिसका नाम है आसाम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, ASCPCR, तो इनका एक आइडिया है कि शिशु सुरक्षा एप्लीकेशन बनाया जाए और उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च भी किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का ये फायदा होगा
जिस तरीके से आपने सी बॉक्स का नाम सुना होगा, जो कि मेनली वुमेन्स का वर्क एरिया में जो हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट है किसी और टाइप का, उसको लेके बनाया गया था एक पोर्टल। उसी तरीके से एक एप्लीकेशन बनाया गया है कि बच्चों के अगेंस्ट अगर कोई भी कंप्लेन हो, अगर बच्चों की जैसे कि चाइल्ड राइट है उनको वायलेशन हो रहा हो, या फिर बच्चों से कोई लेबर वगैरह करवाई जा रही हो, किसी भी तरीके से उनको परेशान किया जा रहा हो, तो कोई भी पर्सन इस एप्लीकेशन पे कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकता है, और फिर वो रिलेटेड अथॉरिटी के पास जाएगी और उसके लिए उचित एक्शन है वो लिया जाएगा। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका यही है कि लोगों को एम्पावर करना, ताकि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि भाई हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है यानी कि जो बच्चे हैं, इनको हमें प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब हम एक बार पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। पहली जो न्यूज़ थी वो थी जियो केमिकल बेस लाइन एटलस के बारे में, जो कि CSIR के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा स्थापित की गई है। इसके बाद में हमने इको एंजाइटी, एक मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जाना, जो कि इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा अफ्रेड है, इन्वायरमेंट का डर है वो बढ़ता जाता है। इसी के साथ हमने अल्टीमा थुल्ले का लगा ना कि अल्टीमा थुल्ले का नाम चेंज करके अरोकोट है वो रखा गया है। और हमने फिर यहाँ पे डिस्कस किया फाइनेंस एक्ट 2017 में क्या प्रावधान किए गए थे। इसी के साथ हमने नाडू नेडू प्रोग्राम के बारे में जाना कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और लास्ट में हमने आसाम गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है शिशु सुरक्षा एप्लीकेशन, इसके बारे में जाना। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के। अब हम डेली आगे से कुछ ना कुछ दो चार क्वेश्चन से वो डेली कवर करेंगे, और जो पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वहीं से। इसमें आपको सिटी दी गई है एक साइड तो, जो कि न्यूज़ में थी, और एक साइड कंट्री दी गई है, मतलब इनको मैच करना है। जैसे कि दिया गया एलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसुल फेलेस्टीन, और यहाँ पे देखा मजर शरीफ अफगानिस्तान। देखो ये सिटी पिछले साल भी न्यूज़ थी, और इवन इस साल भी ये सिटी है वो न्यूज़ में है, क्योंकि ये जो सारी मेनली सिटीज़ हैं अगर हम बात करें तो ये एशिया की सिटीज़ हैं, और इनको लेके काफ़ी ISIS के मामले में ऑलमोस्ट न्यूज़ में रहती हैं। तो देखो अलेप्पो है वो सीरिया में है, ये हमें पता है। इसी के साथ अगर हम जाने मोसुल इराक में है, ना कि पैलेस्टीन में, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन गलत होता है। तो अगर आप थर्ड को एलिमिनेट करोगे इसका मतलब COD तो ख़त्म हो गए। इसके बाद में बात आती है सेकंड को देखो आप और फोर्थ को देखो। तो देखो जो किरकुक है ना वो इराक में, ये भी न्यूज़ में थी, ये सारी सिटी वहाँ पे ऑयल फील्ड है किरकुक इराक में, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो मतलब सेकंड को भी आप हटाओगे तो आपके पास बचा बी, कि वन एंड फोर्थ है वो इसका राइट आंसर है। मजर इस शरीफ है वो अफगानिस्तान की एक सिटी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पे है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, और ये पूछा गया नीचे कि विच ऑफ द अबोव आइटम है वो GST के अंदर उसको एग्जेम्प्ट या छूट है वो दी गई है। मतलब ऊपर में से चार में से कौन सा ऐसा आइटम है जिसको GST में छूट है वो दी गया है, जिस पे GST अप्लीकेबल नहीं होता, या फिर हम बोले कि जियो GST लगता है। तो देखो इसमें क्या है, सेकंड ऑप्शन देखो एक बार आप, चिकन एग कुक, मतलब पका हुआ है, इसका मतलब इस पे GST है। इसी के साथ ही फिश प्रोसेस है, ऑब्वियसली प्रोसेस आइटम पे GST अप्लीकेबल था, इसका मतलब तीन भी नहीं होने वाला। चौथे की अगर हम बात करें न्यूज़पेपर पे GST लगता है, इसका मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। देखो तो पहला आंसर बिल्कुल सही है, सीरियल ग्रेन हल्ड, हल्ड का मतलब होता है छिलका, जो हमारा रो अनाज होता है, कच्चा अनाज होता है, इसके ऊपर कोई भी GST नहीं लगता, तो इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, ओनली वन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है इंडिया के जो सेटेलाइट हैं लॉन्च व्हीकल उनके बारे में। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि PSLV जो सेटेलाइट है, जो PSLV लॉन्च सेटेलाइट है, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन, और अगर हम बात करें कि जो अर्थ के रिसोर्सेज मॉनिटरिंग है इनके लिए यूज है वो किए जाते हैं, और जबकि GSLV हैं वो डिजाइन किए होते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट, यानी कि PSLV सेटेलाइट हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट होते हैं, और GSLV है वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होते हैं। यह है पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है यहाँ पे कि सेटेलाइट जो कि PSLV द्वारा लॉन्च किए जाते हैं वो परमानेंटली फिक्स होते हैं, मतलब जैसे ये पृथ्वी है और PSLV से हमने कोई भी सेटेलाइट लॉन्च किया, तो जैसे इसको यहाँ लॉन्च किया तो हमेशा इसी पोजीशन पे रहेगा, मतलब अर्थ के साथ साथ ही घूमता रहेगा, अर्थ का एक हिस्सा हमेशा है वो कवर करेगा, बाकी हिस्से को कवर नहीं करेगा, केवल एक ही हिस्सा है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। वो तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि GSLV Mark III है वो फोर्थ स्टेज का एक, मतलब चार स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, मतलब उसमें चार स्टेज हैं, और पहली और थर्ड हैं वो तो हैं सॉलिड हैं,
और सेकंड और फोर्थ है वो है लिक्विड इंजन, उनमें यूज है वो लिक्विड फ्यूल है वो यूज किया जाता है। हमें पूछा कि करेक्ट कौन सा है, तो देखो मैं आपको बता दूं, जो PSLV सेटेलाइट होते हैं ना वो मेनली अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग करते हैं, यानी कि अर्थ की ऑब्जर्वेशन करनी हो, अर्थ की स्टडी करनी हो, तो उसके लिए PSLV लॉन्च का हम यूज है वो करते हैं। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। और GSLV है वो भी कम्युनिकेशन सेटेलाइट के यूज है वो होता है, क्योंकि GSLV थोड़े हेवी सेटेलाइट को लेके जाता है और जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं वजन में, तो पहला स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही हो जाता है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूं कि PSLV होते हैं ना ये अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, अर्थ को ऑब्जर्व करना इसका मतलब इनको अर्थ के चारों ओर घूमना पड़ता है, पूरी अर्थ की इनको स्टडी करनी है, तो इसका मतलब ये एक जगह तो फिक्स नहीं हो सकते। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी ये फिक्स नहीं रहेंगे। जबकि अगर हम बात करें GSLV की, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट होते हैं वो तो फिक्स ही रहेंगे, क्योंकि जैसे इंडिया ने लॉन्च किया है तो वो हमेशा इंडिया वाले हिस्से को सूचना देंगे, बाकी वाले को थोड़ी घूमेंगे चारों तरफ, तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, वो भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो PSLV होता है ना इसी में चार स्टेज होती हैं, ना कि GSLV मार्क 3 में, तो PSLV में चार स्टेज हैं, तो ये भी अपने आप गलत हो गया। तो इसका कुल मिला के आंसर हो गया ए, ओनली ए है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के बारे में है इंडिया के बारे में, कि गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखो एग्जाम में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट। अगर आपको यही नहीं पता चला तो आपको क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाता है, और ऐसा काफ़ी बार होता है कि UPSC करेक्ट की जगह बार पूछ लेती है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो हम जल्दी से देखते हैं कि अच्छा पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा सही है, तो इसका मतलब बहुत जबकि पूछा होता है कि गलत कौन सा है, वहाँ आंसर होता है डी। तो मतलब हम आते हुए भी कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और एग्जाम में एक एक मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमें क्वेश्चन को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछा क्या है ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करेक्ट इनकरेक्ट पूछा क्या है हमसे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनमें गवर्नमेंट है वो पिछले कुछ लास्ट डिकेड से जो पैसा डाल रही है वो लगातार इंक्रीज कर रही है, मतलब पिछले कुछ डिकेड से गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंकों में पैसा है वो बढ़ा रही है, अपनी तरफ से पैसा ज़्यादा डाल रही है लगातार। जैसे कि मान लो कि इस साल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपये गवर्नमेंट बैंकों को दिए, फिर अगले साल ही मान लो कि वो 20,000 देने वाली है, अगले साल 30,000, तो ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें मर्ज करने के बाद में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भी एक इफेक्ट हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। तो देखो पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ अगर हम बात करें डिकेड से कुछ टाइम से तो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों में पैसा कम इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट का मतलब कम पैसा डाल रही है, जैसे कि गवर्नमेंट पहले बैंकों को ज़्यादा पैसा देती थी, अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंकों को पैसा कम दे रही है। तो पहला साफ साफ गलत है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे या 2018 के टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो और भी बाकी बैंक थे एसोसिएट बैंक उनको सबको मर्ज किया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया और फर्स्ट गलत हो गया, तो आंसर हो गया ओनली बी। ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू मच फॉर डिस्कशन।